जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मेरा नाम रहमत खान है, मैं बैजवाली से हूं। परसों जो बैजवाली में जो झगड़ा हुआ मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ दो बच्चों के बीच में, बस्ती के बड़े लोग उसको जहाँ का वहाँ सुलह करवा दिए। उसके बावजूद फिर एक बच्चा अपने जिसका नाम शोएब है, वो अपने रिलेटिव को बुलाया। रिलेटिव बुला के यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास, वो टाइम पे कोई भी नहीं थे, सब दावतों से आए 3:30-4 बजे। आते कि बातचीत कुछ भी नहीं किया, अचानक चार लोगों को इंजर्ड कर दिए, जिसमें से आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या नाम उसका? दो अभी हॉस्पिटल में। हाँ, मुजीब जो लड़का है उसका इंतकाल होगा, अभी दो जेर इलाज हॉस्पिटल में। ये हादसा हफ्ते की शाम में हुआ है। ये लड़े नहीं, आपसी थी और कुछ भी बात नहीं। बच्चे छोटे जी नहीं, मुझे कहाँ से। ये जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए ना, ये जितने बच्चे इंजर्ड हुए उनसे लड़े का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ जो छुड़ाने वाले अनजान, जैसा कि लड़े तो क्या हुआ भाई, छुड़ाने जो जाते ना वो लोग पे हमला हुआ। ये जो आ रहे थे मारने थे मारे सर, एक 5-6 लोग थे। नहीं, बाहर के लोग थे, कोई जानते नहीं पहचानते नहीं बच्चे को कोई। वो आप लोग आए, अपने अपने बच्चों को ज़रा सही तरीके से तरबियत दीजिए। ऐसा दूसरे बस्तियों में जाके मारना करना वो तो क्या है, ये माँ बाप की गलती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को सही तरबियत देना। आज आपकी तरबियत नहीं है। बच्चा एक माँ बाप अपने नौजवान बच्चे को खो दिया। आज दीनी तालीम की दूर है, दीनी तालीम से बहुत दूर हो गया हमारी कौम के लड़के। खाली रातों में चबूतरों में बैठना, मंदखा मारना, सिगरेट पीना, होटलों में शहनाजगंज पुलिस से गुजारिश है, समझे नहीं। ये रातों में जो बैठना, हर PS से गुजारिश है, रातों में जो बैठ रहे चबूतरों में, जो समझे नहीं, हंसी मजाक में लड़े झगड़े हो जा रहे हैं, अदबन पुलिस से गुजारिश है कि इस पर कंट्रोल करिए।